क्या आपको पता है कि पुलिस की गाड़ी में लाल और नीले रंग की बत्ती क्यों लगी होती है? क्या आप धरती पर मौजूद उस जीव का नाम जानते हैं जिसकी उम्र अमेरिका के गठन से भी ज्यादा है? क्या आप ये जानते हैं कि दुनिया का वो कौन सा देश है जिसने सबसे पहले राष्ट्रीय गान की शुरुआत की थी? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर वन, अगर आपको लगता है कि महंगे स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूट सिर्फ भारत या फिर लंदन जैसे विदेशों में ही मौजूद हैं, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि दुनिया का सबसे महंगा और हाई क्लास इंस्टीट्यूट स्विट्जरलैंड में मौजूद है, जिसका नाम ली रोजी है। इस आलिशान इंस्टीट्यूट की स्थापना सन 1880 में की गई थी, जिसका डिजाइन किसी UFO की तरह दिखाई देता है। आसमान से देखने पर ली रोजी की बिल्डिंग और ग्राउंड सब कुछ बहुत ही खूबसूरत और आकर्षक है, जहां बच्चों को हर तरह की सुविधा दी जाती है। इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए बच्चों को सालाना $1,36,000 की राशि फीस के रूप में जमा करनी होती है, जो लगभग 1,97,700 भारतीय रुपए के बराबर है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ली रोजी को दुनिया का सबसे महंगा इंस्टीट्यूट या स्कूल क्यों कहा जाता है, जहां पढ़ना हर अमीर घर के बच्चे के बस की बात नहीं है। फैक्ट नंबर टू, यूं तो माता पिता की संपत्ति पर उनके बच्चों का अधिकार समझा जाता है, जिसके चलते ज्यादातर माता पिता अपने जीवन की जमा पूंजी अपने बच्चों के नाम कर देते हैं। लेकिन इस दुनिया में ऐसे भी बच्चे मौजूद हैं जो प्रॉपर्टी मिलने के बाद अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हें बोझ समझकर उनके ही घर से बाहर निकाल देते हैं। इन मामलों को ध्यान में रखते हुए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक खास तरह का कानून बनाया है, जिसके तहत माता पिता को अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने का अधिकार होगा। इस नियम के तहत अगर कोई बच्चा प्रॉपर्टी मिलने के बाद अपने माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करता है या उन्हें घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, तो माता पिता के पास ये अधिकार होगा कि वो बच्चे के नाम की गई प्रॉपर्टी को वापस ले लें। ऐसा करने से बुजुर्ग परिजनों को अपने बच्चों की मारपीट और बदतमीजी का सामना नहीं करना पड़ेगा और प्रॉपर्टी मिलने के बाद वो अपना जीवन अपने हिसाब से जी पाएंगे। ये कानून प्रॉपर्टी और पैसों के लालची बच्चों के मुंह पर जोरदार तमाचा है, जो अपने माता पिता को बुढ़ापे में मान सम्मान और प्यार भरी जिंदगी नहीं देते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, आज के एडवांस जमाने में हर लड़की स्टाइलिश और खूबसूरत दिखने के लिए अपने बालों की अलग अलग तरह की कटिंग करवाती हैं। लेकिन इस दुनिया में एक ऐसा भी काम मौजूद है जहां रहने वाली लड़कियां अपने जीवन में सिर्फ एक बार अपने बाल कटवाती हैं, और वो भी बिल्कुल सिंपल स्टाइल में। इस गाँव का नाम है हंगलो, जो चीन में मौजूद है। यहाँ रहने वाली लड़कियों को रियल लाइफ रेपोंजल कहा जाता है, क्योंकि उनके बाल बहुत ही लंबे और घने होते हैं। हंगलो गांव में बच्ची से लेकर बूढ़ी महिला तक हर किसी के बाल बहुत ही लंबे और खूबसूरत होते हैं। लंबे बालों को यहाँ एक प्रथा के रूप में फॉलो किया जाता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को निभाने की सीख दी जाती है। इस गाँव में लड़कियाँ 18 साल की उम्र में सिर्फ एक बार बाल कटवाती हैं, क्योंकि स्थानीय लोगों का मानना है कि 18 साल के बाद लड़की एक नए जीवन में प्रवेश करती है, इसलिए उसके थोड़े से बाल काट दिए जाते हैं। फैक्ट नंबर फोर, आज के आधुनिक युग में लोग घर बैठे ही ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, जिसे घर तक पहुंचाने का काम डिलीवरी बॉय का होता है। लेकिन क्या आपको दुनिया के सबसे बेहतरीन और मेहनती डिलीवरी बॉय के बारे में पता है, जो ड्राइव करने के साथ सैकड़ों की संख्या में फूड डिलीवर करते हैं? अगर नहीं, तो हम आपको बता दें कि इस तरह के डिलीवरी बॉय आपको सिर्फ और सिर्फ जापान में देखने को मिलेंगे, जहां वो एक हाथ से साइकिल चलाते हुए दूसरे हाथ में ढेर सारे फूड आइटम्स को पकड़ कर चलते हैं। उनका बैलेंस इतना बेहतरीन होता है कि साइकिल चलाने या पैदल चलने के दौरान उनके हाथ से एक भी फूड आइटम नीचे नहीं गिरता है, बल्कि वो बहुत तेजी के साथ एक ही बार में ढेर सारे ऑर्डर डिलीवर कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार बैलेंस की तकनीक को अपनाते हुए जापान के रेस्टोरेंट्स में वेटर एक साथ कई ग्राहकों को फूड सर्व करते हैं, जिसका कोई जवाब नहीं है। अब तो आप समझ गए होंगे कि जापानी कार्टून्स में डिलीवरी बॉय या रेस्टोरेंट के वेटर को एक साथ ढेर सारे आइटम्स को सर्व करते हुए क्यों दिखाया जाता है। फैक्ट नंबर फाइव, आज तक लंबी या छोटी हाइट को लेकर कई इंसानों और जीवों ने रिकॉर्ड दर्ज किया है। इसी सूची में अब गाय का नाम भी शामिल हो गया है। यह है दुनिया की सबसे छोटी, या यूं कहें कि बौनी गाय, जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका से सटे चरी ग्राम इलाके में रहती है। इस बौनी गाय का नाम रानी है, जिसकी देखभाल एक डेयरी फार्म में की जाती है। दरअसल रानी गाय का जन्म सामान्य बछड़ों की तरह हुआ था, लेकिन एक समय के बाद उसकी शारीरिक लंबाई बढ़नी बंद हो गई। इसके बाद जब डेयरी फार्म के मैनेजर हसन हवलदार ने रानी गाय का चेकअप करवाया आया, तो उन्हें पता चला कि ये गाय बौनी है। बस फिर क्या था, रानी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे बौनी गाय के रूप में दर्ज करने के लिए आवेदन भेजा गया है। रानी गाय की लंबाई सिर्फ 20 इंच है और उसका वजन 23 किलोग्राम के आसपास है, जिसकी वजह से वो बहुत ही अलग और क्यूट दिखाई देती है। इतना ही नहीं, इस छोटी सी गाय को देखने के लिए डेयरी फार्म में रोजाना लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, जिसकी वजह से रानी रातों रात स्टार बन गई है।
फैक्ट नंबर 6, अगर आप खगोलीय और भविष्यवाणी से संबंधित चीजों पर यकीन करते हैं तो एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक के बारे में जानकारी जरूर होनी चाहिए। ये एक खास तरह की घड़ी है जो शेज रिपब्लिक की राजधानी पैराग्वे में बनाई गई है। इस एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक को होरोलोजियम और ओरलॉज के नाम से भी जाना जाता है, जो शहर के मुख्य आकर्षणों में से एक है। एक समय था जब इस घड़ी में दिखाई देने वाला टाइम सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्रों और ग्रहों की स्थिति को ध्यान में रखकर चलता था, जो चर्च की मुख्य दीवार पर लटकाई गई है। हालांकि अब ये घड़ी सालों से बंद है और इसे चलाने का तरीका किसी खगोल शास्त्री या वैज्ञानिक के पास नहीं है। पैराग्वे के स्थानीय लोगों का मानना है कि एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक दुनिया का अंत कब होगा इस बारे में भी जानकारी दे सकती है, लेकिन दुनिया भर के वैज्ञानिक आज तक ये पता नहीं लगा पाए हैं कि एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक को दुनिया का अंत देखने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इस घड़ी को चलाने में अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। फैक्ट नंबर 7, भारत में क्रिसमस के मौके पर लोग घूमने फिरने जाते हैं और बाहर डिनर करके इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन जापान में इस त्यौहार को बहुत ही अनोखे तरीके से मनाया जाता है, जहां सभी नागरिक केएफसी से फूड ऑर्डर करने के प्रचलन को फॉलो करते हैं। क्रिसमस के मौके पर केएफसी से इतने ज्यादा फूड आइटम्स ऑर्डर किए जाते हैं कि लोगों को एक महीने पहले ही अपना ऑर्डर देना पड़ता है, जिसके बाद क्रिसमस के दिन उन्हें फूड डिलीवर किया जाता है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति क्रिसमस के दिन केएफसी आउटलेट पर जाकर खाने का प्लान बनाता है तो उसे कम से कम 2 घंटे तक लंबी लाइन में खड़े होकर अपनी बारी आने का इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा जापान में क्रिसमस के मौके पर सभी लोग अपने पार्टनर के साथ ही घूमते हैं। ऐसे में जिन लोगों के पास पार्टनर नहीं होता है, वो इंटरनेट पर उसकी तलाश करते हैं। अगर वो इंसान लकी रहा तो उसे पार्टनर मिल जाता है, जिसके बाद वो बाहर क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए जाते हैं। लेकिन अगर व्यक्ति को पार्टनर नहीं मिलता है तो वो घर में ही रहता है और क्रिसमस सेलिब्रेट करने बाहर नहीं जाता है। फैक्ट नंबर 8, ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया में मौजूद हर देश का अपना एक राष्ट्रगान होता है, जिसके जरिए वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को प्रस्तुत करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विश्व में सबसे पहले किस देश ने राष्ट्रगान गाने की प्रथा को शुरू किया था? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि इस शुभ काम की शुरुआत जापान द्वारा की गई थी। जापान का राष्ट्रगान किमी गायो है, जो दुनिया के सभी राष्ट्रगानों के मुकाबले छोटा है और सबसे कम समय में गाया जाता है। विश्व के सभी राष्ट्रगानों में किमी गायो की रचना सबसे पुरानी मानी जाती है, जिसे जापानी नागरिक सन 1868 से राष्ट्रगान के रूप में गा रहे हैं। हालांकि साल 1999 में किमिगायो को आधिकारिक रूप से जापान का राष्ट्रगान घोषित किया गया था। इसके बाद से ही दूसरे देशों ने भी राष्ट्रगान के प्रति अपनी दिलचस्पी दिखाई और उसकी रचना की। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जापान सिर्फ टेक्नोलॉजी के मामले में ही नहीं, बल्कि राष्ट्रीयता को आगे रखने के मामले में भी काफी एडवांस है। फैक्ट नंबर 9, क्या कोई जीव किसी देश की स्थापना से भी पुराना हो सकता है जो वर्तमान में भी जीवित हो? इस तरह की बात पर यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन साल 2017 में वैज्ञानिकों को ऐसा ही एक जीव मिला था। दरअसल एक रिसर्च के दौरान वैज्ञानिकों को आर्कटिक ओशन के पानी में ग्रीनलैंड शार्क मिली, जिसे आमतौर पर ग्रे शार्क के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस शार्क की उम्र अमेरिका से भी ज्यादा पुरानी थी, जो धरती पर पिछले 392 साल से जिंदा है? वैज्ञानिकों की माने तो इस फीमेल शार्क का जन्म सन 1505 के आसपास हुआ था, जो -1 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के पानी में जीवित रह सकती है। 18 फीट लंबी ये शार्क 7200 फीट की गहराई में तैराकी करने में सक्षम है, जिसका वजन कई टन है, और ये 400 साल तक जीवित रह सकती है। आपको बता दें कि अमेरिका की स्थापना 4 जुलाई 1776 में हुई थी, जबकि इस ग्रीनलैंड शार्क का जन्म सन 1505 में हो गया था। इस हिसाब से देखा जाए तो उस शार्क की उम्र अमेरिका से भी ज्यादा पुरानी है, जो अब तक धरती पर सबसे ज्यादा जीवित रहने वाले जीवों में से एक मानी जाती है। फैक्ट नंबर 10, यूं तो हर व्यक्ति पुलिस और उसकी गाड़ी से दूरी बनाकर रहना पसंद करता है, क्योंकि कोई नहीं चाहता है कि उसे जेल की हवा खानी पड़े। लेकिन सड़क पर दौड़ती पुलिस की गाड़ी पर लाल और नीले रंग की बत्ती तो आपने भी देखी होगी, जो आमतौर पर रात के समय पेट्रोलिंग के दौरान दिखाई देती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि पुलिस की गाड़ी में लाल और नीली बत्ती क्यों होती है और उसके पीछे क्या वजह है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि लाल रंग की बत्ती लोगों को अलर्ट करने के लिए मौजूद होती है, जबकि नीली बत्ती पुलिस की गाड़ी को सभी गाड़ियों से अलग दिखाने का काम करती है, क्योंकि रात के समय सड़कों पर दौड़ने वाली हर कार में लाल रंग की बत्ती जलती है। ऐसे में पुलिस की गाड़ी को अलग से दिखाने के लिए उसमें लाल के साथ नीली बत्ती लगाई जाती है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पुलिस की गाड़ी में लाल और नीली बत्ती का कॉन्सेप्ट क्या है और ये क्यों लगाई जाती है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।